टू बी फिफ्टी वन के जी अब इसको थोड़ा समझते हैं क्या है ये तो एक इंडस्ट्री वाला है एक मैनुफेक्चर है ठीक है ये क्या करता है पेस्टिसाइड्स की इसकी मतलब फैक्ट्री है 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 तो ये क्या कर रहा है? रहा पेस्टिसाइड्स बना इसकी मशीन जो है वो पेस्टिसाइड्स का पैकेट जो है वो ऐसे प्रोड्यूस कर रही है तो अब मान लो एक दिन इंस्पेक्शन के लिए कोई आता है एक ऑफिसर आता है कि भैया मान लो एक कंज्यूमर फोरम वाला आता है है ना और वो पूछता है कि भैया तुम्हारे पेस्टिसाइड के बैग में आ, कितना वे करता है तुम्हारा एक पेस्टिसाइड का बैग कितना वे करता है अब जाहिर सी बात है उसने अपने पूरे करियर पे लाखों बैग बनाए होंगे पेस्टिसाइड्स के है ना? और मतलब वो जाहिर सी बात है कुछ डब्बे में भी चले गए होंगे कुछ ट्रक से निकल भी गए होंगे अब ऐसा तो नहीं है कि वो सबको रुकवाएगा बोलेगा कि भाई नहीं सब कुछ लाओ वापस लाओ पेस्टिसाइड्स के पैकेट वापस लाओ सब कुछ वे करेगा सबका एवरेज निकाल के उसको देगा ऐसा तो हो नहीं सकता पॉसिबल है ना दीपांजी श्रेया ऐसे कर सकते क्या yes, नहीं कर सकते तो वो क्या करेगा yes, वो थोड़ा यहाँ दिमाग लगाएगा ये थोड़ा डेटा साइंटिस्ट है यहाँ पे ठीक है तो वो क्या करेगा हाँ श्रेया का भी में से तो वो क्या करेगा पंद्रह बैग कुछ निकाल लेगा ठीक है ये पंद्रह बैग को वो अलग-अलग वे करेगा ठीक है और फिर क्या करेगा वो अह वो बस ऐसे देख के बोलेगा कि मान लो ये इसका ना लगभग-लगभग 51 केजी हो सकता है ठीक है कि अह मतलब वो अंदाजे से लगाया मैं नहीं बोल रहा कि ये पंद्रह बैग का वो एवरेज लेके बोल रहा है ये 15 बैग का एवरेज नहीं है तुम करके भी देख लो कैलकुलेटर से कि पंद्रह बैग का एवरेज नहीं है 51 वो बोला कि मैं जनरली फिफ्टी वन के जी का बनाता हूँ उसने खुद से ऐसे कुछ तो रैंडम वैल्यू बोला है ठीक है हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टेस्ट इफ द एवरेज पैकिंग कैन बी टेकन एज फिफ्टी वन अब तुम्हारे में आ गई फिफ्टी वन आया कहा से ये तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बट तुम कोई भी वैल्यू ले सकते हो क्योंकि हम तो बस टेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये फिफ्टी वन सही भी है कि गलत भी है दीपांशी तुम बोल सकते थे कि फिफ्टी फोर ले लो हाँ मैं फिफ्टी फोर में टेस्ट करके दे सकता हूँ ठीक है तो श्रेया बोल yes, तुम 55 ले लो तो मैं 55 को टेस्ट करके बताऊंगा मेरा रिजल्ट क्या है तो हमें टेस्ट करना है कि क्या ये फिफ्टी हम ले सकते हैं कि नहीं ओके ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है अब क्या हुआ वी आर मान लो हंड्रेड पेस्टिसाइड वो कर रहा हैं मैं लाखों बोल दिया हंड्रेड कर रहा है वो ठीक है

नहीं नहीं वो भी हो गया पंद्रह बैग का एक्चुअली वो मैं सौ ऐसी नहीं नहीं मीन भी नहीं निकालना पहले सबसे पहला स्टेप जो मैंने अभी बताया था बहुत इम्पोर्टेंट होता है सब भूल जाते हैं उसको हाइपोथेसिस निकालते हैं yes. तो इसका एच नॉट yes. क्या होगा कोई आइडिया दीपांशी श्रेयास yes करो इसका एच नॉट क्या होगा सर एच नॉट फिफ्टी वन के होगा हाँ पॉपुलेशन का मीन जो है वो तुम या पॉपुलेशन का एवरेज जो है वो तुम फिफ्टी वन मान रहे हो है ना और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा फिफ्टी वन नहीं होगा एग्जैक्टली exactly. तो अब तुम देखो हम ना ये फॉर्मूला यूज करेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो तुम्हारे में आते हैं देखो सोल्यूशन क्या है इसमें हाइपोथेसिस है कि जो एवरेज है वो फिफ्टी वन होगा जो तुमने जैसे बताया ठीक है ऑल्टरनेटिव क्या है मीन नहीं होगा उसके इक्वल हाँ तुम बताओ श्रेया ने बोला एज्यूमिंग एज्यूमिंग के बेस पर है क्या सर एच वन एच वन है कि हमारा जो पॉपुलेशन का एवरेज है वो फिफ्टी वन नहीं होगा क्वेश्चन में क्या बोला है क्वेश्चन पूछ रहे क्वेश्चन uh, ने एक वैल्यू दे दी हमको वैल्यू है कि क्या पॉपुलेशन क्या उसके जो पैकेट है, है सारे पैकेट्स मान लो मैंने यहाँ डाले एक लाख पैकेट जो बनाए सबका एवरेज फिफ्टी वन है क्या अब तुम आंसर कैसे दोगे है या नहीं है यस और नो है ना तो हाइपोथेसिस तुम पहले बैठाओगे कि एच नॉट मतलब हा होगा एच वन मतलब नहीं होगा ठीक है तो ये बस अभी फर्स्ट स्टेप हुआ है ठीक है श्रेया इतना समझ में आया कि एच वन क्या, क्या करता है मैंने क्या बताया था हमेशा काटता है यस तो एच नॉट और एच वन ऐसे ले लिया हमने ठीक है अब थोड़ा फॉर्मूला देखते हैं देखो फॉर्मूला तो मेरे को भी याद नहीं है थोड़ा देख लेते हैं कि कर क्या रहा है तो टी टेस्ट है ये टेस्ट का नाम है टी टेस्ट ठीक है चाहे नहीं है ना ये ओके तो अब यहाँ पे क्या है सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस निकाल ली ठीक है ये सिंगल पॉपुलेशन क्या दिया हुआ है ये थोड़ा बाद में आते हैं इसके बारे में ब, बात करते हैं देखो पहले इसने हाइपोथेसिस ले ली इस फॉर्मूला को देखना है ठीक है एजम्स छोड़ दो अभी ये क्या है एक फॉर एक ये फॉर्मूला है देखो इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इसमें क्या लिखा t इज इक्वल टू वाई बार माइनस म्यू नॉट बाय बाय रूट एन ठीक है ये कोई फॉर्मूला है ओके नेट में भी मिल जाएगा इसको अप्लाई करते हैं बोलना क्या चाह रहा है ये ये टी की वैल्यू कुछ कैलकुलेट करेगा ठीक है ये वाई वाई बार क्या होता है वाई बार होता है यहाँ पे मीन जो हमने हम एक्चुअली में निकालेंगे ठीक है और एस मतलब एस जो है वो स्टैंडर्ड एविएशन हो गया एन सैम्पल साइज हो गया ठीक है चलो इतना समझ नहीं आ रहा इससे अब थोड़ा सॉल्व करके दे ठीक है नेक्स्ट स्टेप चलते हैं हम लोग ये तो मैं अभी समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया मैंने दीपांशी अभी मैंने क्या किया इस जो पंद्रह पैकेट निकाले ना मैंने सबको मैंने वे किया फिफ्टी फोर्टी फिफ्टी टू फोर्टी फोर जो यहाँ पे दिया हुआ था देखो यहाँ पे फिफ्टी फोर्टी नाइन फिफ्टी टू फोर्टी फोर ये सबका मैंने एवरेज कर दिया ठीक है देखो टेस्टिंग के पहले हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं ठीक है दीपांशी क्वेश्चन तुम्हारा आंसर मिल गया तुम्हें यहाँ पे तो हमने क्या किया एवरेज निकाल दिया क्या किया सबको सम कर दिया और divided by 15 कर दिया तो तुम कैलकुलेटर से करके देख लो क्या आ आ क्या आ आ रहा रहा है ये हमारा y bar होता है 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 ठीक ये ये होता होता हमारा तो जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था ना उसमें जो वाई बार है वो हमारा ये मीन है ठीक है अब थोड़ा बात करते हैं ये नॉट क्या है नॉट यही है जो अभी हमने इसमें निकाला नॉट क्या है फिफ्टी वन है तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो तुम देखो क्या है यहाँ पे वाई बार की जगह क्या डाला है मैंने 46.93 जो मैंने अभी यहाँ कैलकुलेट किया पूरा पंद्रह पैकेट को डिवाइड किया पंद्रह से माइनस फिफ्टी वन जो हमने किया हुआ है, जो हमें निकालना है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड अब का तुम्हें तो फॉर्मूला पता होगा या तो तुम यहाँ से देख लो स्टैंडर्ड एवियेशन क्या है ये थोड़ा मॉडिफाइड स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियशन है ठीक है इसमें क्या कर रहे हैं हम हर सैंपल को माइनस कर रहे हैं जो हमने एवरेज निकाला जो मीन निकाला और उसका स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय एन माइनस वन इसका पूरा रूट ले रहे इस फॉर्मूला के हिसाब से ठीक है तो नीचे तुम देखो मैंने ये किया फिफ्टी फोर्टी सिक्स तक है ना ये मेरे पैकेट का था वेट मैंने क्या किया माइनस किया फोर्टी जो मैंने अभी एवरेज निकाला था ना उसी से मैंने माइनस कर दिया मैंने सबका स्क्वायर करके सम कर दिया ऐसे निकालते स्टैंडर्ड डिविशन पहले भी निकाले हैं हम लोग है ना डिवाइड क्या किया 15 माइनस वन तो ये ये जो है ये हमें फॉर्मूला में, तो में डाल दिया डिवाइडेड बाई रूट एन एन की वैल्यू पता है मेरे को फिफ्टीन है ठीक है आया टोटल माइनस फाइव पॉइंट सिक्स इतना समझ में आया कि फॉर्मूला में डालना कैसे है ये समझ में आया दीपांशी को yes, क्या तुमको तो कोई डाउट कि फार्मूला तुम्हें क्लियर हुआ ना कि कैसे कर रहे हैं हम लोग ओके okay. तो अब ये हमें समझ में आ गया टी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली टी टेस्ट है ना तो टी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली अब ना हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हम एच नॉट को एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे ये इस बेसिस पे चलता है ठीक है तो बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन क्या है टी कैलकुलेटेड तो अभी हमने क्या किया कैलकुलेट किया था टी को तो हम लोग इस टी को टी कैलकुलेटेड बोलते हैं ठीक है तो अब तुम्हारे दिमाग में आएगा ये टी टैबुलेटेड टैबुलेटेड क्या है T tab लिखा है टी 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 टैब टैब लिखा ना T tab को बोलते हैं ये तुम लिख सकते हो पेपर में अगर तुम लिखना चाहो तो तो टी कैलकुलेटेड जो अभी हमने कैलकुलेट किया अभी हमने क्या कैलकुलेट किया अभी हमने ये निकाला ना कि टी की वैल्यू माइनस फाइव पॉइंट सिक्स नाइन आ रही थी है ना तो ये क्या हुआ हमारा टी कैलकुलेटेड मैं लिख भी देता हूं तुम्हारे ये जो है ये मेरा टी कैलकुलेटेड ठीक है और आ, ये मैंने अभी निकाला ओके और जो ये टी है ये टी टैबुलेटेड है अब तुम मैंने क्वेश्चन आ रहा होगा ये टी टैबुलेटेड कैसे निकालेंगे हम लोग अब ना थोड़ा पीछे चलते हैं क्वेश्चन में क्या पीछे चलते हैं मैंने बताया था ना ये रेड वाली कुछ चीज है फोर्टीन डिग्री फ्रीडम क्या है ये थोड़ा इसके बारे में समझते हैं ठीक है तो ना होता क्या है कि जो टी टैबुलेटेड है ये 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो इस इसको पढ़ो इट फॉलोस टी डिस्ट्रीब्यूशन विद 14 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम द टैबुलेटेड वैल्यू टी नीचे कुछ 0.05 दिया हुआ है थोड़ा समझते हैं इसको क्या है ये 14 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 2.145 ये टेबलेटेड वैल्यू हमको दी है टू पॉइंट कैसे इसको थोड़ा समझते हैं अभी ना इस क्वेश्चन पे फोकस करते क्या हुआ हमें टी कैलकुलेटेड पता है नीचे देखो इसका हमें absolute value लेनी है अगर negative भी है ना उसको positive बना लो इसको बोलते हैं लेना ठीक है तो हमने क्या किया फाइव पॉइंट सिक्स ले लिया इस फॉर्मूला के बेसिस पे और टी टैबलेटेड मान लो अभी के लिए कि अब मैं बताऊंगा कैसे निकला ठीक है मेरी अभी गारंटी ले लो कि टू पॉइंट है तो क्या होगा अभी टी कैलकुलेटेड बड़ा होगा टी टैबुलेटेड से देखो फाइव पॉइंट से तो अगर बड़ा है तो क्या होगा रिजेक्ट एच नॉट अब एच नॉट क्या था हमारा कि पॉपुलेशन का जो एवरेज है वो फिफ्टी वन है इसको हमें रिजेक्ट करना है मतलब फिफ्टी वन नहीं है ये हमारा आंसर होगा अब तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे पूछो

95% श्योर इफ वी कैन टेक 51 केजीज अब तुम बोलोगे 95% कहां दिया हुआ है तो अपना तुम अभी बोले ना दीपांशी कि कैसे कैलकुलेट करना है देखो ये दो चीज से कैलकुलेट करते हैं कैसे किससे कैलकुलेट करते हैं 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये 95% कहां दिया हुआ है देखो t के नीचे लिखा हुआ है 0.05 इसका क्या मतलब होता है इसको अगर तुम 100 करो तो 5 आता है 5%.

मैंने अभी बताया था ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है तो मैं दिख रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये यहाँ पे जो बीच वाला एरिया देख रहे हो इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल मतलब हम बोल रहे हैं कि 95 फाइव परसेंट वी आर श्योर कि हमारा जो होगा आंसर वो सही होगा मतलब वो जो एवरेज है वो सही है हमारी वैक्सीन काम करेगी 95 फाइव परसेंट वी आर कॉन्फिडेंट इसको बीच वाले को बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल जो लेफ्ट और राइट है इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल ठीक है इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल अब तुम बोल रहे हो ये टू पॉइंट फाइव है दोनों को प्लस कर लो फाइव परसेंट आ रहा है टोटल मिला के हंड्रेड परसेंट बन रहा है ठीक है अब देखो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तुम ले रहे हो मतलब यहाँ पे ना एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ था फाइव परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये क्वेश्चन में दिया हुआ था ठीक है तो इससे हम क्या पता लगाएंगे कि नाइनटी फाइव परसेंट एक्सी हमेशा याद रखना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है ना वो एक्यूरेसी के अपोजिट होता है मैं एक और स्लाइड बनाता हूं ताकि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल पाऊं तुम्हारे लिए ठीक है पहला तो क्या ठीक पॉइंट पहला क्या कि जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो क्या होता है अपोजिट होता है अपोजिट ऑफ ये कौन सी एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं जो वैक्सीन में हम लोग देखते हैं तो मान लो अगर इफ इट इज फाइव परसेंट तो इसका क्या मतलब होगा एक्यूरेसी मेरी क्या होगी हंड्रेड माइनस फाइव विच विल बी नाइन फाइव परसेंट मान लो मेरी एक्यूरेसी टू परसेंट होती है ना तो मैं क्या करता हंड्रेड माइनस टू करता मेरे को नाइन्टी एट परसेंट एक्यूरेसी वाला मिलता तो ये हम हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कितनी वैल्यू लेंगे और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ जब ये वैक्सीन बनती है ना हम लोग इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को बहुत कम लेते हैं ताकि 99 98 एट तक आए क्योंकि हम लोग पेशेंट्स की जान के साथ खेलना नहीं चाहते तो इसलिए ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो चूज करते हैं ना ये डिपेंड करता है अलग अलग एरियाज में अगर तुम हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हो तो तुम्हें बहुत कम लेना पड़ता है तुम दो लेते हो मान लो तुम कहीं फॉर uh, एग्जाम्पल कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो तुम फाइव से सिक्स परसेंट तक ले सकते हो ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखना तुम लोग तो, तो uh, ये समझ में आया कि फाइव परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है है ना फोर्टीन डिग्री ऑफ फ्रीडम ये क्वेश्चन में दिया हुआ है अब क्वेश्चन में आते हैं uh, कि ये कैसे निकाला मैंने जो टी कैलकुलेटेड होता है ना तो दीपांशी देखो एक होता है टी टेबल करके आता है तो जैसे तुम्हारा लॉग टेबल होता है ना वैसे टी टेबल भी होता है इसमें क्या होता है लेफ्ट में देखो df एफ दिखा होगा दिख रहा हो है डी एफ दिखा हुआ है थोड़ा छोटा सा दिया हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तक है दिख रहा है तुम्हें दीपांशी श्रेया yes, sir. तो ये क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है श्रेया तुम्हें दिख रहा है ना हाँ तो हमें क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या दी हुई है फोर्टीन दी हुई है तो देखो ये 14 है डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन मारता हूँ ये देखो ये है मेरा 14 वाला इसको मैं थोड़ा हाँ ठीक है तो ये मेरा 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला रो है अब मेरे को क्या दिया रहेगा मेरे को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी दिया हुआ है 5% जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 2 point, इसको हम लोग uh, 05 लेंगे मतलब ये वाला रो Uh, तो ये होगा एक सेकेंड हमारा ये रहा ना रुको uh, हाँ तो हमारा होगा ये वाला दो देखो तो यहाँ पे ये वाला देखेंगे हम लोग इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन करता हूँ um, हाँ, ये देखो तो मेरे को क्या वैल्यू आ रही है दिख रहा है तुमको तो टी जो 0.05 है और उसके ऊपर 0.025 दिया हुआ है इसके बारे में मैं आता हूं। देखो लेफ्ट में दिया हुआ टू टेल है और वन टेल दिया हुआ है।, है ना तो हम लोग ये टू टेल टेस्ट कर रहे हैं मैं ये टेल वाले टेस्ट में भी आता हूं पर अभी मैं सबसे पहले तुम्हें तो दिखाना चाह रहा हूँ देखो कैसे निकाला फोर्टीन में तुम देखोगे और 0.05 में तुम देखोगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में तो तुम्हें मिलेगा 2.145 दिख रहा है ये वैल्यू दिख रही है तुमको यस yes, है ना और श्रेया तुमको दिख रही है वैल्यू 2.145 चैट पे लिख दो ओके तो हमें पता चल गया 2.145 कैसे आ रहा है ठीक है इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ अब दीपांशी तुम्हें एक

हम लेते हैं अब ये क्या है दोनों क्या हो रहा है ये ये तो समझ नहीं आया थोड़ा समझते हैं इसको देखो हमने क्या बोला था कि हमारा जो एवरेज है पॉपुलेशन का वो अभी मान लो हंड्रेड है मान लो हंड्रेड है ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर तो हमने ऑल्टरनेटिव क्या लेते हैं हमेशा जो उसको काटता है मतलब वो हंड्रेड नहीं होगा हंड्रेड नहीं होने का मतलब क्या होगा हंड्रेड से बड़ा भी हो सकता है हंड्रेड से छोटा भी हो सकता है मतलब दो पॉसिबिलिटी है समझ पा रहे हो मतलब 200 भी हो सकता है माइनस हंड्रेड भी हो सकता है अब में में बात करते हैं one tail में मैंने hypothesis क्या लिया कि ये 100 से बड़ा है या equal है या इसका सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हंड्रेड से छोटा ही होगा इसके ऑल्टरनेटिव नहीं है इसका मतलब मैं बोलूंगा दो दो टाइप की वैल्यूज नहीं होंगी हंड्रेड से छोटा होगा ये तो कंफर्म है तो इसको बोलते हैं वन टेल टेस्ट अब इस वन टेल में भी दो कंडीशन आ गई लेफ्ट टेल या राइट right टेल तो अगर तुम उस वैल्यू के लेफ्ट साइड ले रहे हो मतलब हंड्रेड से छोटा ले रहे हो तो वो लेफ्ट टेल हो गया अगर उस वैल्यू से बड़ा ले रहे हो तो वो राइट right टेल हो गया तो हम लोगों ने जो अभी लिया वो टू टेल टेस्ट था क्यों क्योंकि हमारा नल हाइपोथेसिस था कि 51 के इक्वल होगा पर अल्टरनेटिव क्या था 51 के इक्वल नहीं है मतलब 51 के ऊपर भी हो सकता है 51 के नीचे भी हो सकता है तो ये टू टेल टेस्ट हुआ तभी हम टी टेबल में जब गए तो हमने देखा वन टेल का भी दिया हुआ है कुछ वैल्यू और टू टेल का भी कुछ दिया हुआ है वैल्यू हम क्या लेंगे टू टेल का वैल्यू लेंगे और इसलिए हमने जीरो पॉइंट जीरो फाइव लिया और एक लॉजिकल मैं बोल भी सकता हूं कि जीरो पॉइंट जीरो फाइव के जस्ट ऊपर वन टेल में पॉइंट जीरो टू फाइव क्यों लिया हुआ है इसका एग्जाम्पल तुम इस डायग्राम से समझ सकते हो मान लो अगर ये वन टेल होता तो क्या होता पूरा का पूरा फाइव परसेंट एक साइड में होता पर टू टेल में क्या होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मतलब 5 कैसा बन के जस्ट उपर, लिया। अब तुम्हें कोई डाउट आ रहा है इस पे? कि हमने क्या किया अब तुम्हें क्लियर हो रहा है सर टू टेल मीन या तो फिफ्टी वन होगा या फिफ्टी वन नहीं होगा yes, exactly. और वन टेल मीन फिफ्टी वन होगा या उससे बड़ा या उससे छोटा वो तुम लेफ्ट राइट डिसाइड कर लो मान लो फिफ्टी वन होगा या उससे बड़ा ऑल्टरनेटिव होगा फिफ्टी वन से छोटा ठीक है ये ये डायग्राम देखो थोड़ा क्लियर होगा दीपांशी तुम्हें कोई डाउट नो no, सर शेयर क्लियर है सर, मतलब वन टेल में सिर्फ एक ही साइड ले सकते हैं यस yes, एग्जैक्टली exactly. uh, तभी वन टेल टेस्ट बोल रहे मतलब एक ही साइड हम लोग लेनी है हम uh, उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ नहीं रखते और टू टेल में दो पॉसिबिलिटी है हंड्रेड से छोटा भी हो सकता है हंड्रेड से बड़ा भी हो सकता है ठीक है ओके सो okay. so, हमें थोड़ा क्लियर हुआ ठीक है इतना समझ में आया चलो बाकी ना अब बहुत इजी हो जाएगा बाकी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब तुम लोग भी बताना कैसे करना है ठीक है तुम्हें अब इतना क्लियर हो गया है बस बढ़िया है फिर तो अच्छा हाँ ये ना दो टाइप के एरर्स होते हैं बहुत इजी है क्या है मान लो तुमने देखो इस टेबल को थोड़ा समझते हैं ठीक है मान लो अभी क्या है हमने ऑल्टरनेटिव हाइथोसि को रिजेक्ट किया था याद है ना फिफ्टी वन नहीं होगा देखो सोल्यूशन में फिर से आते हैं ये समझ में आया तो क्या लिखा हुआ है द इट वैल्यू ऑफ टू टी जीरो पॉइंट जीरो मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा फाइव परसेंट होगा

ठीक है तो इसमें कोई डाउट आंसर में नो no, सर बढ़िया और हमेशा याद रखना ये बहुत लोग गलती करते हैं इसका तुम एब्सोल्यूट वैल्यू लेना नेगेटिव होगा ना तो क्या होगा नो सर क्लियर ओके हाँ तो क्या होगा नेगेटिव वैल्यू होता है ना तो लोग क्या बोलते हैं माइनस फाइव पॉइंट सिक्स नाइन तो इससे छोटा है तो लोग यहीं पे गलती कर देते हैं हमेशा याद रखना माइनस है ना हटा देना उसको ठीक है और फिर उसके बाद चेक करना ठीक है तो ये एक चीज याद रखना एक बार मैं तुम्हें पूरा फॉर्मूला बताता हूँ

द सैम्पल साइज मस्ट बी लेस देन थर्टी इसके बारे में हम थोड़ा आते हैं ठीक थी है कि थर्टी के लेस देन क्यों है पता है इसका बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है हम लोग वैसे ना इसको बहुत ज्यादा सैम्पल साइज के लिए भी यूज कर सकते हैं सिर्फ तीस ही नहीं मतलब तीस से ज्यादा पर क्यों लिखा है ऐसे लेस देन थर्टी कोई बताना चाहेगा दीपांशी इसका बहुत ही फनी आंसर है मैं जब सीख रहा था डेटा साइंस डेटा साइंस जब सीख रहा था मैंने अपने सर से पूछा सर लेस देन थर्टी के लिए होता है तो वो बोले कि नहीं लेस देन थर्टी नहीं है तो वैसे तो सबके लिए यूज कर सकते हैं जब ये आया था टेक्निक जब ये टेस्ट आया था ना तब क्या था कंप्यूटर्स नहीं था तो उनके लिए तीस तक के लिए ही ईजी था तो इसलिए उन्होंने बोला कि लेस देन थर्टी के लिए ये वाला फार्मूला सही है और ग्रेटर देन थर्टी के लिए उन्होंने एक ईजी फार्मूला बनाया तो वैसे तो कंप्यूटर में अगर तुम करोगे तो तुम कितना भी सैंपल ले सकते हो पर अगर तुम पेन पेपर करोगे तो लेस देन थर्टी के लिए ये है ठीक है तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें थोड़ा समझ में आया और या फिर नीचे ये फौर्मुला है। फौर्मुला रटने वटने की जरूरत तो है नहीं है ना मिल जाता है कहीं पे भी और आजकल तो पाइथन में तुम कोड लिख दो अपने आप अप आंसर मिल जाएगा और बस तुम्हें समझना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं हम लोग ठीक है या श्रेय है ये सर या फिर लास्ट में तुम रिजेक्ट कर लो एक्सेप्ट कर लो ठीक है ये क्वेश्चन क्लियर है कोई डाउट इसमें no, ओके तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये थोड़ा सा टाइम लगेगा ठीक है ज्यादा नहीं लगेगा uh, देखो अब क्या है मान लो अभी हमने क्या किया फिफ्टी वन नहीं है मान लो ये हमारा डिसीजन जो है वो गलत हो जाता तो क्या होता देखो डिसीजन जो है कि एच नॉट फॉल्स है एच नॉट ट्रू है हमने क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया एट नॉट और हमारा डिसीजन करेक्ट था ये तो बढ़िया हो जाएगा बट मान लो हमने रिजेक्ट किया एट नॉट पर एच नॉट सही था तो ये टाइप वन एरर पे आता है मतलब एच नॉट वैसे तो सही था पर तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया तो ये टाइप वन एरर में आ जाता है और मान लो एच नॉट वैसे तो गलत था पर तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो वो टाइप टू एरर होता है इसको समझने के लिए मैं अच्छे से थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ कि वैसे तो एच नॉट गलत है ठीक है वैसे तो एट्स नॉट जो है वो गलत है और तुमने एक्सेप्ट कर लिया तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा ये होगा टाइप टू एरर टाइप टू एरर ठीक है और वैसे तो एच नॉट सही था ठीक है वैसे तो एच नॉट सही था और तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया वैसे एच नॉट सही रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा ये टाइप वन एरर होगा तो ये टेबल समझ में आ रहा है इसको मैंने थोड़ा हिंदी में लिख दिया ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए एक एग्जांपल देता हूं मान लो तुम कोर्ट में गए और किसी ने मर्डर का किया हुआ है ठीक है मर्डर का चार्ज है उसका तो वो क्या किया आ, वो सही में मर्डर किया हुआ है पर जज उसको छोड़ देगा तो क्या होगा वो गलत है वैसे बट उसको उसने सही कर दिया टाइप था था हो हो। yes, exactly. अब मान लो किसी ने मर्डर नहीं किया उसको फंसाया गया पर जज ने उसको फांसी की सजा सुना थी तो क्या होगा ये टाइप वन एरर हो जाएगा ठीक है तो यस yes, टाइप वन शेन ने भैया तो टाइप वन एरर का डेफिनेशन देख लेते हैं एरर इज़ फॉल्स पॉजिटिव मतलब जो सही है तुमने उसको गलत कर दिया yeah. क्या होगा फॉल्स पॉजिटिव रिजेक्ट इज दिस मीन डेट योर रिपोर्ट दैट योर फाइंडिंग है टाइप 2 एर का मतलब क्या होता है

टाइम तो हो गया तो तुम लोग अभी थोड़ा सा ही बचा है आई थिंक uh, दो एग्जाम्पल है जल्दी जल्दी कर लें इसको हाँ दीपान जी की कल करना है ठीक है ठीक है कल कर तो कल यही टाइमिंग रहेगा ओके छह बजे यस और मैंने ना मशीन लर्निंग के लिए तुम्हें थोड़ा सोचा है मैं तुम्हें दो प्रोजेक्ट्स करेंगे हम लोग ठीक है तो श्रेया तुम भी आ जाना प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो परसों वाली क्लास ये वाली क्लास तो मस्त है ये कल तो खत्म कर लेंगे ये है, है ना मेरे ख्याल से कल ही स्टार्ट कर देंगे मतलब ये तो थोड़ा सा ही है तो परसों सर आई नीड नंबर क्यों <laughs> मतलब कोई डाउट वाउट है अच्छा तुम पोस्ट कर दो ना चैट पे वैसे कर लो तुम चैट एरिया पे लिख दो जो साई कॉलेज का है ना चैट एरिया मैं तो उसको पढ़ता रहता हूं तुम वहां पे अपना डाउट क्लियर कर लो है ना या और हाँ मशीन लर्निंग में मैं क्या बोल रहा था दो प्रोजेक्ट्स करेंगे ठीक है तो मैं कैगल के दो डेटा सेट लेंगे और अच्छे से पूरा डेटा प्री प्रोसेसिंग और आ, जो जो हमने अभी तक सीखा है वैसे तो हाईप्रोसेसिंग नहीं करेंगे पर डेटा प्री प्रोसेसिंग पूरा लगाएंगे और मशीन लर्निंग का मॉडल लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं ठीक है तो पूरा वो कोड लिखेंगे तो उसके लिए ना मैं क्या चाहता हूँ श्रद तुम्हारे जैसे मिस हो गया ना तो मैं अभी वीडियो अपलोड कर दूंगा ठीक है इसमें डेटा प्री प्रोसेसिंग का पूरा होगा तो तुम उस वीडियो को देख लो और कोड को देख लो तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा और मान लो तुम्हें कोई डाउट आता है एक काम करते हैं श्रेया तुम्हें कोई डाउट है कल ये तो आधे घंटे में हो जाएगा आधा घंटा डाउट सेशन रख लेंगे ठीक है तो तुम कल पूछ लेना मुझसे जो जो डाउट है मैं यहीं पर तुम्हें बता दूंगा ठीक है क्लास के टाइम पे तो कल आधा टाइम डाउट सेशन रख लेंगे और आधा इसको खत्म कर लेंगे ठीक है ऐप वीडियो डा... हाँ हाँ मैं वीडियो डाल दूंगा ठीक है ठीक है तो फिर आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं uh... Thank you, sir. Yeah. Okay. Yeah. Bye-bye.